नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। जिस तरह से अभी आपने सुना भी होगा, जो उड़ीसा के बालेश्वर में इंसिडेंट हुआ एक तरह से ट्रेनों का, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं, ये IRCTC की तरफ से भी इनको जिनकी डेथ हुई, जो जिन्होंने अपनी जान को लॉस हुआ उनका, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपये मिले थे। वो कैसे मिले थे, बट क्या है कि बस मामूली सा है कि यदि आप स्किप ना करें, बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, मतलब उस कॉलम को छोड़ देते हैं, उसको फिलअप नहीं करते हैं, उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो कि वो 35 पैसा ही इंश्योरेंस का लगता है, मात्र और मात्र 35 पैसा। जब भी टिकट बुक करते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस वाले कॉलम पर ज़रूर सेलेक्ट करें। ये भगवान न करे कोई ऐसे इंसिडेंट हो, बट हो तो यदि आपके बैकअप के लिए, आपके फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट में रह जाए, तो इस तरह की ये स्कीप आप ना करें पॉइंट को, आप ज़रूर फिलअप करें। जब भी फिलअप करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो मात्र 35 पैसे का जो इंश्योरेंस था उसके थ्रू आप यदि कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मतलब एक लमसम जो अमाउंट होता है वो 5 से 10 लाख रुपये तक का मिलता है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सेलेक्ट क्या करना होता है, जो बहुत सारे लोग स्किप करते हैं। तो फॉर्म में तो वही है जो आप स्टेशन से मतलब जाना चाहते हैं, आपके नियरेस्ट कौन से स्टेशन है, तो यहाँ पे NDLS मैंने सेलेक्ट कर लिया है न्यू दिल्ली को, और डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कोई एक लास्ट डेट सेलेक्ट करना है जो मतलब अवेलेबल हो टिकट, तो मैंने सबसे लास्ट वो सेलेक्ट कर लिया। BVS मैंने भुवनेश्वर को लिया है, और मैं यहाँ सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, ट्रेनों की जानकारी होती है जिसमें अकॉर्डिंग टू आपको दिखता है थर्ड AC स्लीपर अवेलेबल है कि नहीं, तो मैंने थर्ड AC पे क्लिक किया। देख सकते हैं 1 अक्टूबर के डेट में 104 सीट खाली है, अवेलेबल जैसे ही दिख रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये हाईलाइट हो जाता है, बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास सारा डिटेल फिलअप होकर के आ जाता है। तब को मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, पहले से फिलअप था। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप डिटेल आते हैं नीचे, तो ये जो इंश्योरेंस वाली जो कॉलम है ना, ये इंश्योरेंस वाली देख सकते हैं, ये ट्रेवल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, जो ये ट्रेवल इंश्योरेंस आपको लिखा हुआ है पर पर्सन 30.035, आप देख सकते हैं 0.35 पर पर्सन, तो 0.35 पैसा ये लगता है ट्रेवल इंश्योरेंस से। तो बहुत सारे लोग ये स्किप कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, ये नो पे क्लिक करते हैं। तो ये जो है, आपको यदि इंश्योरेंस नहीं है तो आपको कोई लॉस होता है तो आपको नहीं मिल पाएगा। यदि इंश्योरेंस होता है तो आज कल हर के पास ये ऑनलाइन टिकट ही होता है, तो इंश्योरेंस से आप क्लेम कर सकते हैं। ये क्या होता है, कैसे करना है, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, आपको क्लिक करना है, मैं वही बताने जा रहा था। जैसे ही आप टर्म एंड इस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर ई टिकट पैसेंजर्स, जो ई टिकट काटते हैं, विंडो टिकट के लिए नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, तो ये ई टिकट यदि आप मतलब काटते हैं कभी तो आपको ये पॉलिसीज मिलती है। इन्होंने लिखा भी है द पॉलिसीज इंश्योरेंस पॉलिसीज कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द पैसेंजर, तो ये पैसेंजर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच ही हैं। तो आपका ये तो मैं आपको बता दिया था जो कंडीशन थी, आपके पास सारा कंफर्म, ये जो है ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस फैसिलिटी टू प्रोवाइडेड ओनली फॉर कंफर्म RSC पार्ट कंफर्म टिकट टाइम फॉर बुकिंग, मतलब ऐसा है कि आपका RSC होना चाहिए, नहीं तो कंफर्म होना चाहिए, वेटिंग होगा तो नहीं होगा। ऐसे भी आप यदि ऑनलाइन बुक करते हैं तो वेटिंग होता है, तो ऑटोमेटिक वो टिकट आपका पैसा वापस आ जाता है। आप वेटिंग में यदि ऑनलाइन बुक करके वेटिंग टिकट से आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये कौन कौन से किनको मिलेगा, जिनका कंफर्म होना चाहिए या RSC होगा उन्हीं को मिल पाएगा, वेटिंग वालों को तो नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पे है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर इंजरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉलो रेल एक्सीडेंट और अनटॉवर्ड इंसिडेंट, इसमें जो इंश्योरेंस होती है वो यहाँ पे होती है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ कि डेथ होता है तो 10 लाख रुपये का है ये, मतलब जो क्लेम आप कर सकते हैं। द ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम शैल बी केप्ट यूनिफॉर्म फॉर ऑल केसेस, तो ये है कि डेथ होती है तो 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिल सकता है, यदि परमानेंट टोटली डिजेबल्ड हो गया फिर भी इसमें भी 10 लाख रुपये का क्लेम कर सकता है, परमानेंट पार्शियली डिजेबल्ड है उसमें भी 7.5 लाख रुपये का कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंसेस फॉर इंजरी, जिनकी एक्सीडेंट में इंजरी हुई है उनको 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, और जिनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर रिमेंस मतलब कुछ दिक्कत हो गई है उनको, आने जाने में दिक्कत हुई थी या ऐसा है कि इंसिडेंट हुआ लेकिन वो
जा नहीं पाए थे, मतलब जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वो उनकी जान तो बच गई, ना कोई डैमेज हुआ, लेकिन वो जब घर जा रहे थे तो उनका पैसा जो लगा था बीच रास्ते में जी इस तरह से इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो जब घर गए तो उसके लिए 10,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एकदम ऐसा है कि इनको इसी बेस पे जो अभी हाल फिलहाल में आप सुना भी होगा न्यूज़ में कि 10 लाख रुपये तक के लिए क्लेम उनको मिला है, जो 35 पैसे का उन्होंने पेमेंट किया था, इंश्योरेंस लिया था। तो इस तरह का मैंने आपको दिखा दिया, जो मेन पॉइंट था वो आपको ये बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है कि 100% मिलेंगे पैसे, ऐसा नहीं है कि आपको 50% मिलेगा, 20% मिलेगा। हाँ, लेकिन इन्होंने डिजेबिलिटी में उन्होंने रखा है कि डिजेबिलिटी में क्या है, यदि यदि हेयरिंग बोथ ईयर्स लॉस है तो 100% है, यदि वन यदि आप एक कान से दिक्कत हो गया तो 67% का मिलेगा, वन आँख का हो गया तो 60% से मिलेगा, परमानेंट टोटल लॉस ऑफ द हियरिंग वन ईयर तो 20% का कर सकते हैं क्लेम। तो ये है कि जो टोटल अमाउंट का इतना परसेंट आप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस मैंने आपको इसमें दिखा दिया कि जो 0.35 जो पैसा लगता है आपका टिकट के बुक करते टाइम पे, तो आप उसको एकदम ज़रूर कंपलसरी आप सेलेक्ट करें, उसको स्किप ना करें, उसे छोड़े नहीं, कि आपको कभी इन द फ्यूचर ना हो ऐसा कभी, लेकिन यदि होता भी है तो ये बैकअप के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का वीडियो आप ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड में दोस्तों में शेयर करें, जानकार रखें लोगों को, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको स्किप ना करें, ये ट्रेवल इंश्योरेंस जो है। तो इसके लिए आपको मैंने इसलिए बताया कि ताकि इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ उनके लॉस हो गए, तो जिन्होंने स्किप किया था उनको ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिला, कोई भी अमाउंट 0 अमाउंट मिला नहीं, मिला कुछ भी नहीं। तो जिन्होंने किया था उनके अकॉर्डिंग टू उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो मिला हुआ है। तो इस तरह का वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप इस तरह की जानकारी आप ले सकें, हमारे थ्रू हमारे वीडियो के थ्रू आपको जानकारी हो सके। तो प्लीज़ इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड। यदि कमेंट है कोई तो आप कमेंट ज़रूर करें, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।